जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे इन्वर्टर में ये कंट्रोल कार्ड और ये ट्रांसफॉर्मर को इसके अंदर हम फिट करेंगे और इसका कंप्लीट कनेक्शन हम आज करने वाले हैं। इसका मैं आपको कंप्लीट वायरिंग करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पार्ट वन की वीडियो में हमने यहाँ तक का ये काम कंप्लीट किया था। इसका बॉडी हमने कैसे बनाया है, हमने फ्रंट पैनल और बैक पैनल में क्या मटेरियल, क्या सामान जो भी हमने इसमें फिट किया है वो सब कुछ हमने पार्ट वन की वीडियो में दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर हमने DPM लगाया है, इसको बाय करना है तो इसका भी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका पार्ट वन का वीडियो, उसका भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पार्ट वन का वीडियो देख सकते हो। गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहते हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो सिस्टम और टू व्हीलर फोर व्हीलर के मॉडिफिकेशंस। तो गाइस, ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और हमारे बाकी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो मैं वीडियो शुरू कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा कंट्रोल कार्ड है, ये कंट्रोल कार्ड बिल्कुल माइक्रोटेक के इन्वर्टर में जैसा आता है वही कंट्रोल कार्ड हमने यहाँ पर परचेज किया है, ठीक है। हम पहले इसको एक नॉर्मल इन्वर्टर बनाने वाले हैं और बाद में हम इसको सोलर इन्वर्टर बनाने वाले हैं, ओके। तो पहले हम एक नॉर्मल इन्वर्टर ही बनाएंगे, तो ये कंट्रोल कार्ड हमने यहाँ पर बाय किया है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसका भी मैं ऑनलाइन लिंक अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसे मैंने ऑफलाइन ही परचेस किया है। तो देखिए, इसका क्वालिटी तो वैसे काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर माइक्रोटेक ब्रांडिंग तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन भी अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। और ये ट्रांसफॉर्मर है हमारा गाइस, अगर इस कार्ड को अगर आप सेकंड में परचेस करना चाहते हो, यानी आपका कम बजट है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर इन्वर्टर वगैरह रिपेयर होते हैं वहाँ पर जाना है और उस शॉप से भी आप इसको ले सकते हो, ये आपको सेकंड भी मिल जाएगा, सेकंड हैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस कार्ड को ले सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो गाइस, अभी हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करते हैं। गाइस, ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वर्टर के अंदर और हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हमारे अप्लायंसेस आते हैं उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। देखिए ना, सिंपल सा एग्जांपल है, जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो भी ट्रांसफार्मर की वजह से ही हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाती है, ओके। तो चलिए अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए, यानी लॉन्ग लाइफ तक चलने वाला अगर इन्वर्टर डिज़ाइन करना चाहते हो अपने घर के लिए, या फिर अगर आपका इन्वर्टर बहुत ही लॉन्ग लंबे समय तक चलना चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉपर वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसका लाइफ स्पैन काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है। तो गाइस, ये हमारा कॉपर वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है, इसका कंप्लीट कॉपर वाइंडिंग के साथ इस ट्रांसफार्मर को बनाया गया है। तो गाइस, आपको भी ऐसे ही ट्रांसफार्मर को यूज़ करना है, ये लॉन्ग लाइफ तक चलता है, वरना आजकल तो मार्केट में आपको एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाले भी कई सारे ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का एक ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास एक पुराने वाला जो एक इन्वर्टर पड़ा था में से ही हमने ये निकाला है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको भी ये बाय करना है, अगर आपको भी ये अपने इन्वर्टर बनाने के लिए लेना है, तो आप या तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन बहुत ही आपको महंगा मिलेगा। आपको क्या करना है, इसको भी आप सेकंड ही परचेस कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कार्ड के लिए आप जहाँ पर इन्वर्टर वगैरह रिपेयर होते हैं वहाँ से आप इसको ले सकते हो, आपको वहाँ पर एक कम कीमत में मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको भी अवेलेबल करवा सकते हो। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ट्रांसफार्मर को हमने इस कैबिनेट के अंदर यहाँ पर फिट कर दिया है। यहाँ पर हमें 10 नंबर के 4 नट बोल्ट लगाकर इसको टाइट यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अभी इस प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पर सेट हो चुका है। तो देखिए, ये जा रहा है हमारा बैटरी का पॉजिटिव वायर, तो देखिए यहाँ से हमने इसको यहाँ पर निकाल दिया है पीछे की साइड में। तो गाइस, एक हो गया हमारा बैटरी का वायर। अभी ये जो दो वायरें हैं यहाँ पर, इनका थोड़ा अलग यूज होने वाला है। इसमें से एक वायर को हम कार्ड चलाने के लिए यूज करेंगे, यानी हमारा जो कार्ड है ये वाला, इसको चलाने के लिए हम यूज करेंगे पॉजिटिव सप्लाई। और एक जो वायर है इसमें
ये हमें सोलर चार्जिंग के लिए काम में आने वाला है और डीसी लोड के लिए। इसके बारे में हम बाकी वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जल्दी से हम इसको यहाँ पर टेपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इसको टेप करना है। यहाँ पर देखिए हमने इसको सोल्डर किया है अच्छे से। आपको यहाँ पर सोल्डर कर लेना है। और ये जो बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है इसको आपको थोड़ा हेवी वायर यूज करना है, जैसे 6 mm या फिर 8 mm जो भी आपको मिल जाए वो अच्छा वाला कॉपर का वायर ही यूज कीजिए, क्योंकि कॉपर वायर बेस्ट होता है। अभी जल्दी से मैं इसको यहाँ पर टेप कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको टेपिंग कर दिया है और इस प्रकार से हमने इसको सेट कर दिया है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव अभी हो गया है, अभी ये हमारा नेगेटिव। तो गाइस, नेगेटिव के लिए मैं यहाँ पर बहुत ही पतला वायर यूज कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पर मुझे 4 mm या फिर 6 mm या फिर 8 mm का वायर यूज करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर में वो वायर अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा। फिलहाल जो है यहाँ पर मैं 2.5 mm का ये वायर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, इसका जो वायर का जो लेंथ है आप कम ही लीजिएगा। मैं यहाँ पर मैक्सिमम में 3 feet के आसपास होगा, 1 meter आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। रेड भी हमारा 1 meter के आसपास ही होगा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार का एक कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अभी ये हमारा बैटरी के साथ लग जाएगा। तो इसको हम पहले यहाँ पर इस होल में से इसको पास करवा के यहाँ पर हमें एक और कनेक्टर को लगवाना पड़ेगा। देखिए ये भी हमारा बैटरी में लग जाएगा पीछे की साइड में। और यहाँ पर हम एक कनेक्टर को लगाएंगे, छोटा वाला जो होता है इस टाइप का। तो इसको मैं यहाँ पर पहले फिट कर देता हूँ। इसको आपको यहाँ पर अच्छे से फिट कर देना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने कनेक्टर को रेडी कर दिया है और यहाँ पर टेपिंग भी कर दिया है, ठीक है। अब ये जो हमारा नेगेटिव है ये जाएगा हमारा पीसीबी में, हमारा कंट्रोल कार्ड जो है यहाँ पर, ये बैटरी का नेगेटिव फ्यूज के यहाँ पर, ओके। तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। 10 नंबर का बोल्ट हम यूज करेंगे। यहाँ पर आपको स्प्रिंग वाइजर का यूज करना है, उससे क्या ये अच्छे से टाइट यहाँ पर रहेगा। इसको हम अभी यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो गाइस, अभी हम इस पीसीबी को, हमारा कंट्रोल कार्ड को यहाँ पर फिट करेंगे। देखिए यहाँ पर माउंटिंग के लिए हमने यहाँ पर ये पीस, 4 पीस को मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। इस प्रकार से आप इसको पीसीबी को यहाँ पर सेट करवा सकते हो, ओके। ये आपको पीवीसी मटेरियल से दूर ही रखना है थोड़ा सा। ये पीवीसी है लेकिन ये यहाँ पर ये चारों एंगल में आएगा, इसलिए यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अच्छे से आपको यहाँ पर सपोर्ट देना है। तो देखिए ये भी इसका भी सपोर्ट हो जाएगा और ये चारों जो हमने पीस यहाँ पर चिपका है इसका भी यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा। तो जल्दी से हम इसको यहाँ पर अच्छे से स्क्रू से टाइट कर देंगे, ओके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीसीबी को, कंट्रोल कार्ड को हमने यहाँ पर 4 स्क्रू लगाकर यहाँ पर टाइट कर लिया है अच्छे से, ओके। अभी यहाँ पर हिलेगा नहीं, बिल्कुल एकदम टाइट हो चुका है, ठीक है। अभी गाइस, ये जो है बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ पर हमें एक सिंबल लगाना है। ये आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में, जहाँ पर बैटरीज वगैरह जो रखते हैं, जहाँ पर व्हीकल्स के लिए यानी गाड़ियों के लिए जो हॉर्न वगैरह यूज करते हैं उसका ये थिम्बल रहता है। तो ये कनेक्टर आपको यहाँ पर लगाना है। तो गाइस, इसको हमने यहाँ पर टेप कर दिया है इस कनेक्टर को। अभी ये आपको कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर देखिए प्लस बैटरी लिखा है इस कनेक्टर पर, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा कार्ड यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा, ओके। अभी गाइस, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। अभी ये जो इसको जो ट्रांसफार्मर से निकले हुए जो ड्रेन के जो वायर है, ये दोनों तार है, इसको भी हमें यहाँ पर हीट सिंक पर यहाँ पर फिट कर देना है। गाइस, अगर आपका ट्रांसफार्मर में अगर फेज न्यूट्रल, अगर यहाँ पर पोलरिटी अगर चेंज आता है, अगर न्यूट्रल की जगह पर अगर फेज आता है, तो आपको ये वायर यहाँ पर लगाना है और ये वाला वायर यहाँ पर लगाना है, ठीक है। लेकिन ये आपको बाद में करना है, मैं आपको खुद पहले टेस्टिंग करके दिखाऊंगा बाद में। हमें 3 वायर लेना है। ये हमारा इनपुट का भी हम कनेक्शन करेंगे। तो गाइस, ये मेरे पास 1.5 mm का वायर आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये ही अच्छा
यहाँ पर लोड कैरी कर पाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास खाली न्यूट्रल के लिए मैं 1 mm का यूज़ कर रहा हूँ लिखा है, और ये हम अर्थिंग के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अर्थ जो होता है हमारा। तो दोस्तों अभी हमें इन तीनों वायर को इस टर्मिनल स्ट्रिप में यहाँ पर फिट कर लेना है। देखिए, इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया है। अभी हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे जल्दी से। दोस्तों ये हमारे तीनों वायर है यहाँ पर। तो अभी हमें ये जो हमारा रेड वायर है ये हमें फेस के लिए यूज़ करना है, तो इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये यहाँ पर फ्यूज इनपुट में चला जाएगा। ओके, उसके बाद में ये जो ग्राउंड का वायर है इसको हमें यहाँ पर आउटपुट सॉकेट में ग्राउंड के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें वायर को थोड़ा सा कट करके यहाँ पर हमें सोल्डर करना है, और इसको हमें इस ट्रांसफॉर्मर के साथ बॉडी के साथ अर्थ कर देना है। तो देखिए गाइस, अभी हमें यहाँ पर ये वायर को यहाँ पर सोल्डर करना है इस फ्यूज के इनपुट टर्मिनल पर। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डरिंग हम पहले थोड़ा सा सोल्डर करते हैं। ओके, इस प्रकार से दोनों पिन पे। अभी गाइस वापस से आपको सोल्डर पेस्ट यहाँ पर यूज करना है। अभी ये जो हमारा रेड वायर है फेस इनपुट, इसको हमें यहाँ पर सोल्डर करना है जहाँ पर इनपुट है। ओके, हमें एक और यहाँ से वायर लेना है। कंट्रोल कार्ड में हमें इनपुट लाइन को देना है, तो यहाँ से हमें एक और वायर को सोल्डर करना पड़ेगा, और ऊपर हमें फ्यूज ब्लाउन का वायर लगाना है। वैसे ही हम न्यूट्रल को भी यहाँ पर सॉकेट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, और अर्थिंग को भी यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये जो हमारा आउटपुट सॉकेट है यहाँ पर यल और यन लिखा होता है। यल यानी लाइव वायर जो हमारा फेस होता है, और यन यानी न्यूट्रल। तो हमें ब्लैक वायर न्यूट्रल में लगाना है। तो न्यूट्रल वाला पिन हमारा ये साइड का है, तो इसको हम यहाँ पर सोल्डर करेंगे। इसको भी मैंने पहले से यहाँ पर तार लगा के रखा है। अभी दोस्तों ये जो हमारा अर्थिंग का जो वायर है इसको हमें ये जो आउटपुट सॉकेट पे जो अर्थिंग का जो पिन है यहाँ पर हम इसको सोल्डर कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो ग्राउंड का वायर है यहाँ से देखिए यहाँ पर हमने कनेक्टर को लगा दिया है। ठीक है, अभी ये डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर का जो बॉडी यहाँ पर बॉडी का जो नट है इसके साथ में यहाँ पर लग जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर टाइट कर देना है। अब गाइस एक और हमें रेड वायर लेना है, तो इसको हमें देखिए यहाँ पर जो है हमारा फेस इनपुट हमने इस फ्यूज के साथ दिया है, ये हमारा एक्चुअली चार्जिंग फ्यूज के लिए यूज होने वाला है। जब भी न्यूट्रल चार्जिंग करेगा तो इस फ्यूज में से वो सप्लाई पास करेगा, और फ्यूज ब्लाउन के लिए यही फ्यूज यहाँ पर सेंस होगा। तो एक और वायर हमें यहाँ पर सोल्डर करना है, और ये हमारा होगा इनपुट लाइन कार्ड के लिए। अभी गाइस ये वायर हमारा फ्यूज वायर, देखिए ये जो फ्यूज वायर है अभी इसको हमें यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल कार्ड है इसके इनपुट लाइन पर लेके जाना है। तो इनपुट लाइन के लिए यहाँ पर कनेक्टर दिया गया है, देखिए ये जो कनेक्टर है यहाँ पर ये वाला 4 pin का, तो यही कनेक्टर है। यहाँ पर सब कुछ लिखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हमें ये हमारा फ्यूज वायर और ये हमारा न्यूट्रल वायर जो है सॉकेट से यहाँ पर आ रहा है। तो ये दोनों वायर जो है यहाँ पर दोनों वायर को हमें कंट्रोल कार्ड के ये जो 4 pin वाला जो टर्मिनल है बड़ा वाला यहाँ तक लेके आना है। यहाँ पर हमें एक कनेक्टर मिलता है, वो कनेक्टर अभी हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो इसको मैं पहले यहाँ पर कट कर लेता हूँ। अब देखिए गाइस इस टाइप का एक आपको कनेक्टर मिलता है जब आप ये PCB को बाय करोगे। जब आप इसको
बाय करोगे, ये हमारा जो कंट्रोल कार्ड रहता है इसके साथ में आपको ऐसा एक कनेक्टर मिलता है जो कि यहाँ पर लगता है, ओके। और इसमें आपको इसके साथ में देखिए इस टाइप के कुछ लॉक पिन भी यहाँ पर मिलते हैं, तो इसमें से मैं बाकी लॉक पिन यहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ और ये दो बचे हैं, तो ये दोनों को मैं यहाँ पर न्यूट्रल और ये हमारा फेस यानी लाइव वायर, इन दोनों में यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने दोनों कनेक्टर यहाँ पर सोल्डर कर दिए हैं। अच्छे से पहले आपको इसे क्लिप में फिट करना है, उसके बाद में आप इसको थोड़ा सोल्डर यहाँ पर कर सकते हो। इसके सेफ्टी के लिए ये निकलना नहीं चाहिए इसलिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर न्यूट्रल और ये फेज लाइन यानी इनपुट लाइन, ये हमारा फेस, तो ये दोनों रेडी हो चुके हैं। इसके साथ में हमने दो और वायर को यहाँ पर कनेक्टर लगा लिए हैं। अभी गाइस, ये जो हमारे चारों वायरें हैं, ये चारों वायरें हमें यहाँ पर कंट्रोल कार्ड में लगाने हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 4 पिन का जो यहाँ पर कनेक्टर पिन है, इसमें देखिए ये जो है यहाँ पर ये वाला ये साइड का पिन, ये इसका न्यूट्रल है। यहाँ पर न्यूट्रल कॉमन होता है ट्रांसफार्मर आउटपुट सॉकेट और ये कंट्रोल कार्ड के लिए हमारा न्यूट्रल यहाँ पर कॉमन होता है, ठीक है। ये तो जाएगा न्यूट्रल में, यहाँ पर हमारा ब्लैक वायर लग जाएगा। इसके बाद में ये जो है फ्यूज ब्लाउन, ये हमारा फ्यूज सेंसिंग के लिए यूज़ होता है माइक्रोटेक इन्वर्टर में, तो इसका कनेक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये जो है हमारा ओएल यानी आउटपुट लाइन, यहाँ पर हमें आउटपुट का जो सॉकेट है हमारा पीछे की साइड में, यहाँ पर जो हमारा आउटपुट का जो सॉकेट है यहाँ पर एल लिखा होगा, तो यहाँ पर हमारा ये कनेक्शन लग जाएगा आउटपुट लाइन का, ओके। उसके बाद में ये इनपुट लाइन, तो गाइस ये जो है यहाँ पर हमारा रेड वायर लग जाएगा ये वाला, ओके। इसे हमें यहाँ पर फेज इनपुट देना पड़ेगा। देखिए अब ये जो कनेक्टर है ये हमारा देखिए ऐसे है, तो ये हमारा इस टाइप से लगेगा इस कंट्रोल कार्ड में, ठीक है। तो हमें ऐसे लगाना है, तो हमें देखिए ये साइड में हमारा न्यूट्रल है, तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल का ये जो पिन है इसको हमें लगाना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर एक और लॉक लगा होता है, देखिए यहाँ पर ये जो है ये सब पट्टी टाइप, इसको थोड़ा सा आपको ऊपर उठाना है, ठीक है, क्योंकि यही लॉक होने में मदद करता है। अभी हमें इसको ऐसे लगाना है, देखिए ऐसे फिट होते ही ये अभी निकलेगा नहीं, देखिए इस प्रकार से ये फिट हो जाता है। अभी ये हमारा ऐसे लगेगा, तो न्यूट्रल हमारा इस साइड में आ गया। उसके बाद में है हमारा फ्यूज ब्लाउन, तो फ्यूज ब्लाउन के लिए हम ये वाला वायर यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इसे भी यहाँ पर एक लॉक है, इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर की साइड में यहाँ पर करेंगे ताकि लॉक में अच्छे से फिट हो जाए। अभी इसको हमें लगा देना है इसके अंदर, ओके। अब ये निकलेगा नहीं, अभी देखिए इसे लगेगा, तो फ्यूज ब्लाउन के बाद है हमारा आउटपुट लाइन, तो आउटपुट लाइन के लिए हम यहाँ पर ब्लू वायर यूज़ करना चाहते हैं, ये वाला, ये 1.5 mm का वायर है, ठीक है। तो इसका भी एक लॉक है, इसको भी हम ऊपर के साइड में थोड़ा सा उठाएंगे, अच्छे से लॉक होना चाहिए। ये हमारा आउटपुट के लिए हो गया। अभी इनपुट लाइन के लिए हमारा ये रेड वायर, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यहाँ पर कनेक्टर रेडी हो चुका है। अभी हम इसको यहाँ पर फिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो वायर है हमारा ग्रे कलर का फ्यूज ब्लाउन के लिए, देखिए यहाँ पर ये भी वाला कनेक्टर में यानी फ्यूज ब्लाउन, तो ये हमारा ग्रे कलर का वायर है, ये भी जाएगा यहाँ पर फ्यूज का जो आउटपुट है यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये ग्रे वायर को यहाँ पर सोल्डर कर दिया है,
ठीक है, ये फ्यूज का आउटपुट है। इसमें हमें यहाँ पर फ्यूज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फ्यूज खाली चार्जिंग एम्पियर के लिए यानी चार्जिंग सेक्शन के लिए काम करेगा। जब भी आपका इन्वर्टर मेंस मोड में होगा, जैसे ही ये मेंस को बाईपास करेगा, तो उस कंडीशन में ये फ्यूज का यूज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपका बैटरी चार्जिंग अगर लगता है, तो चार्जिंग के लिए ये फ्यूज यहाँ पर यूज करेगा। ओके गाइस, फ्यूज ब्लाउन का जो रहता है, ये खाली हमारा माइक्रोटेक और लूमिनस के इन्वर्टर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी ये जो हमारा ब्लू वायर जो है आउटपुट के लिए, जहाँ पर आउटपुट लाइन लिखा है, ये ब्लू वायर है हमारा। ओके, तो इसको हमें आउटपुट पे कनेक्ट करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये हमारा डीपीएम है, जो कि हमें यहाँ पर एसी का एम्पियर भी दिखाने वाला है। तो हमें इसे एम्पियर दिखाने के लिए, एम्पियर को सेंसिंग करवाने के लिए, यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर हमें एक करंट ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा। देखिए ये इसका सॉकेट है और ये है हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर। जब आप इस मीटर को अगर बाय करोगे, इसको मैंने ऑनलाइन बाय किया है, इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट की वीडियो में। तो ये करंट ट्रांसफॉर्मर उसके साथ ही हमें मिलता है, तो इसको हमें लगाना है। तो ये जो कपलर है इसका, ये कपलर टू डायरेक्ट यहाँ पे कपलर टू कपलर ये कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें से हमें करंट को सेंसिंग करवाने के लिए इस होल में से हमें ये आउटपुट का वायर हमें पास करवाना पड़ेगा। इस कपलर को हम यहाँ पर पहले लगा देते हैं। ओके, अभी इस करंट ट्रांसफॉर्मर को हमें यहीं पर कोई एक जगह पर यहाँ पर सेट करना पड़ेगा और इसी में से हमें इस वायर को यहाँ पर आउटपुट का जो वायर है इसको हमें पास करवाना है, ताकि आउटपुट में चलने वाला जो लोड करंट है इसका हमें पता चलता रहे। अभी दोस्तों ये जो हमारा 3 पिन का जो ये कनेक्टर है, ये अभी हमें ट्रांसफॉर्मर के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना है। देखिए ये ट्रांसफॉर्मर के यहाँ पर नीचे कनेक्शन दिए हैं और पीसीबी में यहाँ पर ये जो 3 पिन का जो यहाँ पर कनेक्टर है, यहाँ पर हमें कनेक्शन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये न्यूट्रल है, इसके बाद में ये 125 का टेपिंग और लास्ट वाला हमारा 200 होल्ड का टेपिंग। ओके, इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। सबसे जो नीचे का जो वाइंडिंग, जहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हुआ होगा बॉबिन के अंदर, वो हमारा न्यूट्रल होता है। और ये हमारा उसके बाद में यहाँ से फिर ये आपका एक यहाँ पर लूप निकलेगा, ये 125 का होता है। और लास्ट वाला जो निकलता है, ये हमारा 200 वोल्ट का होता है। ये चार्जिंग के लिए यूज होता है 125 का। ठीक है, इस प्रकार से। अब गाइस, अगर आपने मल्टीमीटर में अगर इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक किया, यहाँ से न्यूट्रल से यहाँ तक 125 की टेपिंग पे, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बहुत ही कम मिलेगा। तो आप समझ लेना कि ये ही हमारा चार्जिंग के लिए ये टेपिंग है, दोनों न्यूट्रल कॉमन रहता है। और यहाँ से न्यूट्रल से और यहाँ तक अगर आपने रेजिस्टेंस अगर इसका देखा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, इन दोनों पिन के बीच में, क्योंकि ये 200 वोल्ट का टेपिंग होता है, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ओके, ऐसे भी आप पता कर सकते हो न्यूट्रल और चार्जिंग का टेपिंग और 200 वोल्ट का टेपिंग इस प्रकार से। अभी पीसीबी में जो कनेक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर देखिए, ये है हमारा कनेक्टर। तो ये आपका न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल इनपुट आउटपुट के लिए कॉमन होता है। उसके बाद में ये 200 वोल्ट का टेपिंग है सेंटर वाला। ओके, ये इन्वर्टर के लिए होता है, यानी इन्वर्टर का सप्लाई जो भी हमें आएगा ट्रांसफॉर्मर से, ये वाला पिन आपका, ये वाला जो पिन है लास्ट वाला 200 वोल्ट का टेपिंग, ये हमें यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में ये 125 का टेपिंग, ये आपका चार्जिंग का आउटपुट है, यहाँ से चार्जिंग करेगा ट्रांसफॉर्मर के साथ मिलकर। ओके, तो यहाँ से चार्जिंग का आपका वोल्टेज आउटपुट निकलेगा। तो जल्दी से हम इस कनेक्टर को यहाँ पर लगा देते हैं। कनेक्टर को हमने यहाँ पर लगा दिया है, अब जल्दी से हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। अभी गाइस यहाँ पर हमें
चार्जिंग के लिए एक फ्यूज़ लगा देना है। ये मेरे पास एक 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है। अब गाइस इसी फ्यूज़ के जरिए हमारा ट्रांसफार्मर को चार्जिंग के लिए इसी सप्लाई जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर यानी मॉस्फेट बैटरी को चार्जिंग करेंगे। ओके, तो अभी गाइस जितना नॉर्मल इन्वर्टर के लिए चाहिए होता है उतना इसका एसी का कनेक्शन जो भी इनपुट आउटपुट जो भी है वो कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अभी पीछे के पैनल में खाली ये फैन का कनेक्शन बाकी है और यहाँ पर देखेंगे तो आप ये जो हमारे सिलेक्टर स्विच जो है यहाँ पर ये हमारे सिलेक्टर स्विच है तो यहाँ पर हमें UPS इन्वर्टर मोड के लिए इसका कनेक्शन देना बाकी है और बाकी स्विच हम सोलर सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे। तो गाइस फ्रंट पैनल में हमारा डिस्प्ले का कनेक्शन बाकी है, यहाँ पर हमें इंडिकेशंस लगाने हैं मेंस ऑन लो बैटरी ओवरलोड वगैरह सब कुछ। ओके, और ये हमारे DPM है इनको भी हमें ऑन करना है और ये हमारे पावर स्विच रिसेट स्विच इनका भी हमें कनेक्शन करना बाकी है। तो गाइस ये कनेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो यहाँ पर काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कनेक्शन बाकी का कनेक्शन हम करेंगे। ठीक है, अब गाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका अगर डाउट है यहाँ तक का जो हमने वायरिंग किया है इसके अंदर, तो आप मुझे बेशक कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आप विजिट कीजिए और वहाँ पर प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कीजिए, आपको कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑडियो सिस्टम और बाइक के भी हमने कई सारे मॉडिफिकेशन के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए गाइस अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, हैव अ नाइस डे।